अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मैं कहना चाहता हूं अशोक नगर की पवित्र भूमि से कि कमलनाथ जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, कमलनाथ जी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री है। नकुल जी जो बोल रहे थे उसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, मध्य प्रदेश का गौरव नहीं है छिंदवाड़ा, इस देश का गौरव है, इस देश का गौरव है। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले ये बात कमलनाथ जी से मैं वादा लेना चाहूंगा आज, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन है और अशोक नगर की जनता के हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान है, सबको प्रणाम करते हुए एक वादा लेना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, मैंने अभूतपूर्व शब्द क्यों लगाया, मंच से भी चाहूंगा कि मेरी इस बात पर गौर करें, भारत की आजादी के बाद आज तक इस देश के अंदर किसी राज्य में ऐसी घटना नहीं घटी कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ले और शपथ लेने के बाद बिना कैबिनेट बनाए लाखों किसानों की कर्ज माफी पे दस्तखत कर दे। मुझे याद है वो दिन, मैं खुद अचंभे में था, मैंने पूछा कमलनाथ जी से ओथ लेने के बाद कि ये दस्तखत तो कर दिए, ये हरजाना कैसे पूरा होगा, ये इतना लाखों करोड़ का मामला होगा कैसे। उन्होंने कहा कि ये तो पहली झांकी है, दूसरी भी पूरी हो जाएगी और मध्य प्रदेश की जनता को कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मुख्यमंत्री ऐसा हो उसे भूतपूर्व कैसे कहा जा सकता है, वो अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व है और अभूतपूर्व ही रहेगा। अब मैं वादा लेना चाहता हूं, फिर अपनी बात शुरू करूंगा, अभी मैं बोलना शुरू नहीं किया मैंने। कमलनाथ जी से मैं वादा लेना चाहता हूं और वो वादा ये है कि 3 तारीख को जनार्दन के रूप में जनता जब एक एक वोट हाथ के पंजे के निशान के आगे का बटन दबा के डंके की चोट पे देगी और उस वोट की चोट से जिनके मन में खोट है उनका तख्ता पलट हो जाएगा और आपकी दोबारा ताजपोशी होगी, आपकी शपथ होगी, तो जितने किसानों का ऋण बचा है वो भी बिना कैबिनेट के विस्तार के एक कलम से माफ कर देना। जोरदार तालियों से आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करिएगा। अब दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरऊ कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, असत्य बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, धोखा फरेब और गद्दारी बढ़ती है, तब तब परमात्मा धरती पे किसी रूप में प्रकट होता है, प्रकट होता है। यही गीता का उद्घोष है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आता है वो परमात्मा, लेकिन कलयुग के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, जब द्वापर के अंदर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब साक्षात जनार्दन प्रकट होकर के उनकी लाज बचाई थी, लेकिन कलयुग में लोकतंत्र का चीर हरण जब होता है तो जनार्दन जनता के रूप में प्रकट होता है, जनता के रूप में प्रकट होता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, लंबा भाषण देने का मूड नहीं है, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं, उपचुनाव कब होता है,
उपचुनाव तब होता है जब विधायक मर जाता है। बताइए, ऐसे ढीले ढीले नहीं, हाथ खड़े करके बताइए उपचुनाव कब होता है जब विधायक मर जाता है। लेकिन कमलनाथ जी और अशोकनगर की पावन जनता, मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि विधायक मर गया है। मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि यहां के कुछ विधायक मर गए हैं। विधायक जिंदा है लेकिन उनका जमीर मर गया है। विधायक जिंदा है लेकिन उनकी अंतरात्मा मर गई है, बिक गई है। अब मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं, आप पर फैसला छोड़ता हूं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा क्या देते हैं कि बेटा झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, गद्दारी मत करना। आज वो वक्त है, ये 3 तारीख का जो वक्त है, ये वो वक्त है जो हमारी परीक्षा की घड़ी नहीं है मेरे दोस्तों, जनता की परीक्षा की घड़ी है कि वो उसके साथ खड़े होना चाहते हैं जिसने कमलनाथ की पीठ में खंजर भोंका, या उसके साथ खड़े होना चाहते हैं जिसने वो खंजर झेला। फैसला आपको करना है। कमलनाथ जी का गुनाह क्या था? कमलनाथ जी का गुनाह क्या था? कमलनाथ जी का दोष क्या था? कमलनाथ जी का क्या ये कसूर था कि भगवान राम जिस पथ से वन को गए उस राम वन गमन पथ का निर्माण हो जाए, ये उनका कसूर था? या ये उनका कसूर था कि कमलनाथ जी चाहते थे कि मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार ना रहे, ये उनका कसूर था? कमलनाथ जी चाहते थे कि गांव गांव में गौशाला बन जाए, गौ माता की सेवा हो, ये उनका कसूर था? सारी दुनिया का धन संपदा निवेश के रूप में मध्य प्रदेश में लगे और मध्य प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, क्या ये उनका कसूर था? माफिया खत्म हो, ये उनका कसूर था? मुझे याद है कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी एक दिन बात हुई तो उसमें कुछ माफियाओं का जिक्र आया। एक आध माफिया को इंदौर का था, मुझे मैं नाम भूल गया। मुझे आज याद आया इस धरती पे कि यहां के विधायक का भी जिक्र आया था। और सुनो सुनो, सुन लो पहले बात, जिम्मेदारी से सुनो। मुझे याद है कि उसका जिक्र आया था। कमलनाथ जी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहे थे, लेकिन जिस तरह पिल्ले की रक्षा कुत्ता करता है ऐसे ही किसी ने उसकी रक्षा की थी। मेरे दोस्तों, मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल के आया हूं, वहां से चल के आया हूं जहां पुराणों में लिखा है कि भगवान कृष्ण का कलयुग में होने वाला अवतार कल्कि अवतार के रूप में संभल नामक स्थान पर अवतार लेगा। मैं उस कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में सेवारत होते हुए ईश्वर को साक्षी रख के एक बात कहना चाहता हूं, आज इस पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं कि तब तो उसे बचा लिया गया था, लेकिन 10 तारीख को जब ओथ सेरेमनी निपटेगी तो एक हफ्ते में ये जेल में होगा। इसने जितने कब्जे किए हैं और उस पर इमारतें बनी हैं उन्हें बुलडोज कर दिया जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। एक बात जान लेना, शुरुआत में जब आए तक कहा गया कि आशा दोहरे गरीब है, आशा दोहरे गरीब नहीं हो सकती है, कमलनाथ जी का सानिध्य जिसके ऊपर वो गरीब नहीं हो सकता है, जनता का समर्थन जिसके साथ हो वो गरीब नहीं हो सकता है, जनता का समर्थन पवित्र जनों का आशीर्वाद और सानिध्य जहां होता है वहीं परमात्मा की कृपा शक्ति बन के प्रकट हो जाती है।
मैं आपसे अंत में एक निवेदन करके जाना चाहता हूं, और निवेदन नहीं है, पुराणों की, धर्म ग्रंथों की बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों को लेकर के दो बातें करके जाना चाहता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग, चार युगों का वर्णन है। इस चार युग में कलयुग चल रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, लेकिन कलयुग में अवतार होना बाकी है। मगर तीनों युगों के मामाओं का जिक्र करना चाहता हूं। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। मेरी मां कहती थी कि शैतानों का नाम ज्यादा नहीं लिया करते हैं। कमलनाथ जी, त्रेता में एक मामा हुआ जिसका नाम था मारीच, याद है ना? मारीच ने सीता मैया का हरण करने के लिए प्रपंच रचा था, छल करा था। द्वापर के अंदर एक मामा हुआ कंस, जिसने अपनी बहन देवकी की संतानों का वध किया था। और वो वध कमलनाथ जी क्यों किया था? सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए किया था। और महाभारत के कुरुक्षेत्र काल में एक मामा हुआ शकुनी, जिसने पांडवों को बर्बाद करने के लिए छल और प्रपंच रचे थे। अब तीन मामा का जिक्र हमारे पौराणिक इतिहास में है, प्राचीन काल में है। आज कलयुग में बहुत अच्छी बात कहूंगा जो आपके दिलों तक जाए, तो हाथ खड़े करके मुझे नवाजना, आशीर्वाद देना। और मेरी आत्मा की आवाज अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज को छू ले, तो एक एक वो डंके की चोट पर हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के दबाना, डंके की चोट पे। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनिए कि त्रेता युग का मारीच मामा, द्वापर का कंस और द्वापर का दूसरे चरण का मामा शकुनी, अगर तीनों को मिला के एक कर दिया जाए तो कलयुग का एक शिवराज मामा बनता है। एक बनता है। जितना छल फरेब, कपट, नौटंकी, नाटक, झूठ उन तीनों में था, भगवान की कृपा कहूं या इसके कर्म, इसमें अकेले में आ गया। मेरे दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते एक बात आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूं कि जब जब कोई साधु घर आता है, उसे दक्षिणा दी जाती है, कोई उसे अनाज देता है, कोई गैया देता है, कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, कोई जमीन देता है, कोई आश्रम के लिए धन देता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यदि देना है तो आशा दौरे के लिए मेरी झोली में एक वोट की भीख दे देना। मुझे भिक्षा के रूप में एक वोट दे देना, तुम्हारा एक वोट अशोक नगर का विधायक तय नहीं करेगा, तुम्हारा एक वोट वो आदर्श परंपराओं की रक्षा करेगा, उस आदर्श लोकतंत्र की व्यवस्था करेगा जिसका हनन भोपाल की धरती पर इन शकुनी दुशासन ने मिलकर किया है। सवाल एक विधायक बनने का नहीं है, सरकार बनाने का नहीं है। सरकारें बनेंगी और जाएंगी, मुख्यमंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, जिन मूल्यों की स्थापना, जिस मर्यादा को तार तार किया गया है, सवाल मध्य प्रदेश की मर्यादा और गरिमा गौरव का है। फैसला आपके हाथ है, और मैं पवित्र भावना से एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, और उसके बाद कमलनाथ जी को आमंत्रित करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में भारत के लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा, सचिन यादव जी सुनिए, भारत के लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो एक पन्ना इस उपचुनाव का भी लिखा जाएगा। आदरणीय मंच और सब
सामने खड़े साथी नौजवान बुजुर्ग मीडिया के तमाम लोग सुन लें, पूरा देश सुने, भारत के लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मध्य प्रदेश के उपचुनावों का भी एक पन्ना लिखा जाएगा और उस पन्ने में दो नाम लिखे जाएंगे। अभी ताली मत बजाओ, उसमें दो नाम लिखे जाएंगे, एक काले अक्षर से लिखा जाएगा, एक स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। ईश्वर को साक्षी रख के मेरा विश्वास है कि उस पन्ने में काले अक्षर से महाराज लिखा जाएगा और स्वर्ण अक्षरों से कमलनाथ लिखा जाएगा, काली स्याही से महाराज लिखा जाएगा। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों, इतिहास गवाह है। जूलियस सीजर एक नाटक था, मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था, उसमें भी ब्रूटस ने खंजर भोंका था पीछे से, वो भी महल में रहता था। इसलिए मेरे मित्रों, ये लोकतंत्र की मर्यादा, भारत की परंपराओं को निर्वहन करने का दिन है 3 तारीख। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कमलनाथ जी को आमंत्रित करने से पहले उनकी शान में एक शेर पढ़ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जमाना कुछ भी कहे, कमलनाथ जी की शख्सियत के लिए जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। मैं आप सबके रहबर, आप सबके रहनुमा, आप सबके लीडर, आप सबके अभिभावक, आपके परिवार के मुखिया के रूप में, मध्य प्रदेश की जनता की सेवक के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी को बुलाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूं। आप तैयार हैं संकल्प लेने के लिए? हाथ खड़े करके मुझे गवाही दें तो हाथ नीचे मत करना। मैं दो दो तीन तीन शब्द बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे वही बोलना जैसे शपथ होती है। तैयार हैं? हम अशोक नगर के वासी, ईश्वर को साक्षी रख के, शरद पूर्णिमा के दिन, यह संकल्प लेते हैं कि आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट टंके की चोट पर, हाथ के पंजे के सामने बटन दबा करके कांग्रेस को देंगे और मध्य प्रदेश के सिंहासन पर कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमः पार्वती पतेह।